Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर सामने आया है। कुल्लू, मंडी और शिमला में तीन जगहों पर बादल फटा है, जिसमें 40 से ज्यादा लोग लापता हो गए, दो लोगों की मौत भी हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मंडी जिले के ट्रंक विधानसभा क्षेत्र के धमचारण पंचायत के राजभवन गांव में आधी रात को बादल फटने से भारी तबाही हुई। कई घर पानी में तेज बहाव में बह गए, 11 लोग लापता हो गए, दो शव भी बरामद किए गए हैं। कल सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उसके कारण उससे काफी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और दो लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उस स्तरीय बैठक हुई है, सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं और जहाँ भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इस दृष्टि से हमने सारे जगह डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है।